दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर की, जो हमारे सिस्टम में कभी कभी आता है और हमारा सिस्टम क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। बार बार हमारा सिस्टम एक एक मिनट, दो दो मिनट या आधे आधे घंटे में क्रैश होना स्टार्ट होता है और कुछ एरर इस टाइप का आता है, यूर प्रॉब्लम, यूर पी सी रन इन टाइप प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो कुछ स्टेप्स है, दो चार स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आप सीधे पहले जाएंगे कंट्रोल पैनल में। अगर आप विंडोज 7 यूज़र हो तो आप सीधे फॉलो करें और मैं यहां पर लगाऊंगा कंट्रोल पैनल। मेरा विंडोज 10 है, आपको भी यहां पर, अगर आप विंडोज 7 आप यहां पर लगाओगे कंट्रोल पैनल तो आप सीधे कंट्रोल पैनल में आओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाओगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हार्डवेयर एंड साउंड्स पे और पावर ऑप्शन पे आपको यहाँ चेंज व्हाट पावर बटन डू इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर ये आपका टिक्ड है तो इसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद आप सेव चेंज करेंगे तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आप सीधे फिर से स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप लगाएंगे पावर शेल और विंडोज पावर शेल। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर मैंने कुछ कोड दिया है, इसको आपको सीधे कॉपी करना है वहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ये दो स्टेप आप जब आप करेंगे उसके बाद आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे फिर से और अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की वो खोलेंगे। आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे CONFIG, यहाँ पर आ गया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टार्टअप में जाएंगे और ओपन टास्क मैनेजर और यहाँ पर कुछ सर्विसेज होंगी जो यहाँ पर इनेबल्ड होंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये विंडोज़ स्टूडियो है, इसको क्या करना है मुझे, इसको सीधे यहाँ पर डिसेबल करना है। ये अभी डिसेबल है, जो भी एनेबल होगा यहाँ पर इसको आपको डिसेबल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा, जैसे ये वाला भी है इसको मैं डिसेबल करूँगा, जितने भी यहाँ पर खुले होंगे आप उनको डिसेबल कीजिए स्टार्टअप में। तो ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर से इधर और यहाँ पर लगाना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड देनी है कुछ इस तरह से। पहले लिखना है SFC, S for sugar, F and then C slash, फिर scan now, इस पर क्लिक करना और कोई स्पेस नहीं देनी है scan now के बीच में और एंटर मारना है और इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। यहाँ पर ये देखिए बिगनिंग, तो यहाँ पर ये मुझे इन्फॉर्मेशन है द सिस्टम रिपेयर इज पेंडिंग और मैं अभी रिस्टार्ट करूँगा इसको। आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये मैसेज आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है CHKDSK, ऐसे क्लिक करके और यहाँ पर आपको ये हो जाएगा मेरा NFTS है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आपको वेट करना पड़ेगा आपको एंड तक इसका। तो ये हो गया ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी टेम्पररी फाइल्स जो भी आपके कंप्यूटर में होगी वो आप हटाओगे। उनको कैसे हटाना है, आप यहाँ पर जाएंगे सीधे लिखेंगे यहाँ पर क्लीन डिस्क क्लीनअप, तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप सी को ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये टेम्पररी फाइल्स कैलकुलेट कर रहा है आपकी, इसमें से थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, दिस मे टेक फ्यू मिनट्स, ये देखिए हो रहा है जल्दी ये। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये देखिए कितनी टेम्पररी फाइल्स है, इनको आपको क्या करना है, आपको क्लीन सब सिस्टम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और ये हो गया ये वाला। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, आप सीधे जाएंगे फिर से आप विंडोज़ बटन प्लस R लगाएंगे और यहाँ पर आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे %PEMP और फिर से लगाएंगे आप % और यहाँ पर ओके करेंगे। तो जैसे आपने ओपन किया थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, ये देखिए आपको क्या करना है, आप सीधे कंट्रोल ए करके कंट्रोल डी इसको डिलीट कीजिए। तो ये आपको स्पीड अप होने में भी बहुत मदद करेगा और इसको मैं स्किप कर देता हूँ इस वाली फाइल को, जितनी भी फाइल स्किप है और मैं उनको स्किप करूँगा, बाकी को आप यहाँ से डिलीट कीजिए। तो ये था होल प्रोसेस और होपफुली आफ्टर अप्लाइंग दिस आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।